हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। हम आए नेहरू प्लेनेटेरियम में, दिखाते हैं इसका नज़ारा आपको, अंदर क्या क्या है नेहरू प्लेनेटेरियम में। दोस्तों, नेहरू प्लेनेटेरियम आने के लिए आपको महालक्ष्मी स्टेशन आना पड़ेगा और वहां से आपको बस मिल सकती है 150 को, लास्ट स्टॉप है उसका, वो वहाँ पर आपको उतार देगी। स्टॉप का नाम है नेहरू तारामंडल। आप टैक्सी से भी आ सकते हैं गाइस। दोस्तों, टैक्सी का मीटर 60 से 70 रुपये तक के आएगा और बस की टिकट आपको 5 रुपए की मिलेगी। चलिए गाइस, चलते हैं अंदर। यहाँ से गाइस एंट्री है इसकी। यहाँ पे गाइस आपको सिक्योरिटी चेक इन करानी पड़ेगी। चलते हैं गाइस आगे। गाइस, ये शो के बारे में लिखा है, 12 बजे का हिंदी का शो है और 1:30 पर मराठी का शो है और 3 बजे इंग्लिश का शो है, फिर 4:30 बजे का हिंदी का शो है। हमने 4:30 बजे की टिकट ली है और ये देख सकते हैं आप टिकट काउंटर, टिकट काउंटर हाउस फुल हो चुका है। हमने पहले टिकट ले ली थी 3 ही बजे, क्योंकि यहाँ पे गाइस आओगे तो आप पहले से टिकट ले लीजिए, टिकट काउंटर फुल हो जाता है। और इसकी टिकट है गाइस 150 रुपया, 150 रुपीज गाइस, इस तरह की टिकट है। और एक टिकट 150 रुपये की है, हमने 2 टिकट ली है 300 रुपये की। ये इसके अंदर से एंट्री है गाइस, अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी टाइम बाकी है अंदर जाने के लिए। 4:15 बजे से अंदर रहना चालू कर देता है गाइस। ये कुछ शॉप भी है गाइस, यहाँ पे कुछ खरीद सकते हैं, खिलौने विलौने हैं अंदर, बुक शॉप भी है। बहुत सारी बुक्स रखी हुई है गाइस, बॉयस रखे हुए हैं। टेनिस स्कोप भी लिखा हुआ है। सामने गाइस नेहरू सेंटर भी है और इधर एक ये रॉकेट रखी हुई है। यहाँ से गाइस कैंटीन और ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, आपको लेके जाके दिखाता हूँ कहाँ पे है वो। नेहरू प्लेनेटेरियम मंडे के दिन बंद रहता है गाइस। यहाँ गाइस कैंटीन है और ये ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। ये कुछ रॉकेट रखी हुई है गाइस यहाँ पे, उसके बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है। ये गाइस लाइन है अंदर जाने की, हम अभी लाइन में लगे हुए गाइस। ये किधर है?
फाइनली गाइस हम अंदर आ चुके हैं गाइस, ये वर्ल्ड क्लॉक है, वर्ल्ड का टाइम बताता है इसमें। लंदन में 11:35 हो रहा है, मॉस्को में 13:35 हो रहा है गाइस, मुंबई में 16:05 हो रहा है, ये गाइस मास का पैनोरमा ऐसा दिखता है मास में गाइस। गाइस मार्स में ऐसा दिखता है, ये देख सकते हैं आप, पैनोरमा बना रखा है मार्स का। ये मार्स में आपका कितना वजन है गाइस वो बताता है, गाइस मार्स में मेरा 36 किलो है गाइस, चांद पे मेरा कितना वजन है देखते हैं। गाइस 15 किलो आ रहा है मेरा वजन चांद पे। ये है गाइस मून पैनोरमा, मून पे कैसा है गाइस ये सब बताया हुआ है यहाँ पे। स्कूल के बच्चों की काफी भीड़ हो गई है गाइस यहाँ पे, ये गाइस सोलर सिस्टम। तो जानकारी की शुरुआत करते हैं बच्चों, यहाँ एक तारों से भरा चित्र है, इसी ये हमारी रात के आकाश का एक ओरिजिनल फोटोग्राफ है जिसे हमने पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों से लिया है, और ये जो आप देख रहे हो ये हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी है, मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी अपनी आकाश गंगा में हम रहते हैं जहाँ हमारा स्थान है। हमारे इस मिल्की वे गैलेक्सी में कम से कम 400 अरब तारे हैं, 400 बिलियन स्टार्स, यानी 400 के पीछे आप 9 शून्य लगाएं, उतने तारे कम से कम हमारी गैलेक्सी में है। उनमें से हमारा सूर्य एक बहुत ही छोटा तारा है जो यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये चित्र हमने रात के समय पृथ्वी से लिया है। पर हम यहाँ चलते हैं गाइस स्काई थिएटर के पास जहाँ हमें जाना है। ये कुछ साइंटिस्ट है गाइस, Thank you.
फाइनली गाइस हम स्काई थिएटर में पहुंच चुके हैं। हम आपको पूरा शो तो नहीं बता सकते, लेकिन जितना भी कवर करेंगे, जो जो अच्छी चीज होगी वो आपको कवर करके दिखा देंगे गाइस, जिसमें और जिसके माध्यम से वैश्विक प्रक्रिया जागृत हो गई है और स्वयं को सम्मिलित करने लगी है, यानी कि विश्व हमारे बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। जो भी हमारे सामने प्रतीत हो रहा है, हम उसमें स्वेच्छा से शामिल हुए हैं। हम इस असाधारण पैमाने के विश्व के छोटे से भागीदार हैं। बड़ी अजीब बात है कि इस विश्व ने हमें हिस्सेदार बनाया है। प्रजातीय तौर पर हमारा भविष्य विश्व की होने वाली उत्क्रांति पर निर्भर है। गाइस शो खत्म हो गया है। जब आप यहाँ पे आके देखेंगे शो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे आइए, शो देखिए। गाइस आप मंडे के दिन मत आना, मंडे के दिन ये बंद रहता है। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना गाइस। 150 रुपये में फुल पैसा वसूल शो है गाइस। गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।